नमस्कार, आप देख रहे न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ खुशी सिंह। प्रधानमंत्री बिहार के दो दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। बता दें कल रात उन्होंने पटना में राजभवन में रात्रि विश्राम किया और आज वो दो जगह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मोतिहारी और सिवान में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले। बता दें कि पहले वो मोतिहारी में जाएंगे और वहाँ पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे और इसके बाद वो सिवान जाएंगे, सिवान के महाराजगंज को साधेंगे। आपको बता दें कि कल पांचवें चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और अब दो चरणों में चुनाव बाकी है। इसको लेकर बीजेपी ने अपना पूरा जोर दिया हुआ है। आपको बता दें कि एक हफ्ते में पीएम का ये पटना में दूसरा दौरा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। पांच चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद अब दो चरणों के चुनाव बाकी। ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कर नहीं छोड़ने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथों में ले लिए। अपने प्रचार अभियान के तहत वह तूफानी दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री सातवीं बार बिहार पहुंचे हैं। बिहार में मंगलवार को प्रधानमंत्री दो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली सभा मोतिहारी के गांधी मैदान में होगी, जहां वह पार्टी के सांसद और पूर्वी चंपारण सीट से उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के लिए मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। मोतिहारी में पीएम सुबह 9 से 10 बजे के बीच पहुंचेंगे। यहाँ उनका एक घंटे का कार्यक्रम है। इस सीट पर राधा मोहन सिंह का सीधा मुकाबला महागठबंधन के राजेश कुशवाहा के साथ है। आपको बता दें कि मोतिहारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री करीब 12 बजे सिवान के गोरियाकोठी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गोरियाकोठी से करीब 8 किलोमीटर दूर आज्ञा गांव में पीएम की रैली आयोजित की गई है। गोरियाकोठी की चुनावी सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान की एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महाराजगंज से उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट की अपील करेंगे। बिहार में दो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह करीब 25,000 महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे और नारी शक्ति को ताकत का एहसास कराएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री सोमवार की शाम पटना पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट से वो राजेंद्र नगर गए। वहाँ उन्होंने दिवंगत सुशील मोदी के परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद पार्टी दफ्तर पहुँचे थे। राजभवन में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।